महाराज जी बचपने में बोल दिए थे कि आपका विरासत यहीं संभालेंगे, और उसी तरह अभी वर्तमान का चाहे जो हो लेकिन भविष्य में भारत में तेजस्वी जी के सामने कोई नहीं, इतना प्रखर वक्ता, इतना तेजस्व। नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं रुचा शर्मा। तेजस्वी यादव को बिहार का मुख्यमंत्री बनाने के लिए तेज प्रताप यादव बाबा से बात कर रहे हैं। जी हाँ, बाबा राबड़ी आवास पर पहुंचे जहां पर उन्होंने राबड़ी देवी से भी बातचीत की और ये कहा कि तेजस्वी यादव तो पीएम बनने वाले हैं, और इसके साथ उन्होंने तेज प्रताप यादव को कॉल किया। हालांकि जो बात हुई उसी बात के आधार पर हम कह रहे हैं कि उन्होंने तेज प्रताप यादव को कॉल किया और तेजस्वी यादव के बारे में कहा कि उन्हें सीएम बनना है। उसके बाद तेज प्रताप यादव ने क्या कुछ कहा, छोड़ जाते हैं आपको इस वीडियो के साथ। गुरु महाराज की तस्वीर है, साहब भी देखते हैं, ये गमछी साहब जी साहब जी पहुंच गए, बैठल हैं माता जी के पास में। जी सब बताए माता जी के, वह बता रहे हैं कि अखिलेश जी बचपने में जाते थे मुलायम जी लेकर के, तो महाराज जी बचपने में बोल दिए थे कि आपका विरासत यहीं संभालेंगे, और उसी तरह अभी वर्तमान का चाहे जो हो लेकिन भविष्य में भारत में तेजस्वी जी के सामने कोई नहीं, इतना प्रखर वक्ता, इतना तेजस्व। तो नाम का तो प्रभाव पड़ता है ना, जथा नाम तथा गुण हमारा शास्त्र कहता है। तो तेजस्वी मतलब होता ही है कि तेजस्वी, मतलब भगवान सूर्य का एक ही नाम है, तो इसलिए प्रभु का माया है सब, कहीं धूप कहीं छाया है, लेकिन विजय तो सत्य का ही ना होता है। भगवान श्री कृष्ण जेल में थे लेकिन अंत में देखिए कि आज कोई भी देवी देवता का उतना फॉलोअर अनुयायी नहीं जितना कृष्ण भगवान का पूरे विश्व में, ऑल वर्ल्ड में। और गीता आज गुरु महाराज ने भगवान कृष्ण के आदेश अनुसार पूरे विश्व में जगा दिया, तो आप भी कृष्ण के अंश हैं, भगवान श्री कृष्ण के, इसमें दो मत नहीं है। कहीं ना कहीं से धर्म को तो आपने भी आगे बढ़ाया और रियल बात को कभी छुपाया नहीं, जो भी दिल में था वही बाहर है, उसी का नाम लालू जी है, ठीक है ना जी। जी आपसे तो गाड़ी में जब हम जा रहे थे दिल्ली में, गाड़ी में जा रहे थे तो हमसे आपसे बात हो रहा था एक समय में, तो हमने कहा था कि दुनिया में हर कोई पैदा होगा लेकिन लालू जी दोबारा पैदा नहीं हो सकते, तो वही बात सत्य है, मतलब कि आप जैसा कोई नेता नहीं। महाराज जी अभी वहीं बनारस में हैं, चुनार में विंध्याचल माता के बगल में, वो पगला बाबा भी आप लोग जाते थे ना जी। जी तो उसी के बगल में हम लोग का बहुत बड़ा स्थान है जी। जी तो एक बार अपने एकदम वहाँ पे जरूर मातो जी के एक बार लेके, वहाँ बहुत व्यवस्था बढ़िया बनल है सब, करीब 1,000 एकड़ से बड़ा आश्रम होगा गुरु महाराज का जी। जी जी तो हम नंबर देंगे लेकिन अभी मतलब के है तो महाराज जी होंगे सत्संग में, तो कॉन्फ्रेंस जी जी तो हम व्हाट्सएप पर लिख करके भेज दें जी। जी जी, जी।